कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए उठापटक मची हुई है। बीते दिनों राजस्थान में जमकर बवाल कटा, जो कल शांत हुआ। फिर एंट्री हुई मल्लिकार्जुन खड़गे की। खड़गे की एंट्री से दिग्विजय किनारे हो गए या कर दिए गए, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। बाहर से तो दिग्विजय कह रहे हैं कि उन्होंने अपना अश्वमेध यज्ञ खड़गे के सम्मान में रोक दिया है। मैं कह चुका हूँ, तीन बातों पर मैं समझौता नहीं करता। पहली बात, दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष, इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता, उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहा हूं। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ, इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे मैं से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। धन्यवाद। कभी इस रेस में सबसे आगे चल रहे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने तो माफी ही मांग ली। राजनीतिक गलियारों की फुसफुसाहट है कि उनको कांग्रेस अध्यक्ष का पद पायलट की उड़ान पर ब्रेक लगाने से कहीं छोटा दिखाई दिया। अब दो बड़े नाम मैदान में हैं, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। बात करें थरूर की तो वो इकलौते ऐसे नेता हैं जो शुरू से लेकर अब तक फैसले पर अटल है। न ही आलाकमान का दबाव दिखा, न जूनियर के लिए उन्होंने कुर्बानी की रस्म निभाई। हाँ, थरूर का कद खड़गे के मुकाबले छोटा जरूर दिखाई देता है, लेकिन अगर पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो उनकी पहुंच खड़गे से कहीं ज्यादा है। लेकिन राजनीति अनुभव का खेल है, ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज अनुभव के साथ जाना चाहेंगे। हाँ, युवा पॉपुलैरिटी को तरजीह दे सकते हैं। शशि थरूर ने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा, खड़गे साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, अगर कई लोग नामांकन दाखिल करेंगे तो अच्छी बात है और लोगों को भी विकल्प मिलेगा। मैंने किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा नहीं किया है, हमें एक साथ काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वे हमारी पार्टी के भीष्म पितामह हैं। मल्लिकार्जुन की एंट्री ताजी है, तमाम उठापटक के बाद अचानक नाम सामने आया है। राजनीति के पुरोधा हैं और पास में अनुभव का जखीरा है। इस सब के अलावा अचानक एंट्री ये भी साबित करती है कि इन पर गांधी परिवार की कृपा हुई है। यही वजह है कि खड़गे भी जीत का दम भरते नजर आए। उन्होंने कहा, मैं उन सभी नेता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधि और राज्यों के नेताओं का शुक्रिया करता हूं जो मेरे साथ मेरे नामांकन के समय मौजूद रहे। 17 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे और मुझे उम्मीद है कि मैं ये चुनाव जीतूंगा। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।